राजस्थान के जयपुर के हाथी मालिकों पर हाथियों के साथ अत्याचार करने और उन्हें अवैध तरीके से रखने का आरोप लगा है। वन्य जीवन संरक्षणकर्ताओं का कहना है कि पुलिस को चाहिए कि वह ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस कुछ नहीं कर रही है। पेश है हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। छड़ी से मारना, कुल्हाड़ी से पीटना, पैर के तलों को जलाना ताकि ये हाथी और विनम्र हो जाएं। ये वीडियो वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री निर्माता ब्रिजिट कॉर्निट्स्की की डॉक्यूमेंट्री जहां हाथी सोते हैं का हिस्सा है और हाल ही में इसके कुछ चौंकाने वाले हिस्से सामने आए थे। जमीन पर काम कर रहे फिल्म निर्माता और संरक्षणवादियों का मानना है कि समीर बल्लू खान और उनके भाई ने अवैध रूप से मूनलाइट सर्कस से कई हाथियों को खरीदा था ताकि जयपुर के आमेर किले में पर्यटकों को सवारी के लिए इस्तेमाल कर सकें। समीर और बल्लू खान हाथियों के अवैध व्यापार में काफ़ी सालों से लिप्त है और उसने इस अवैध व्यापार से काफ़ी करोड़ रुपए नकद भी कमाए हैं। वो अपने हाथियों पर हर तरह की क्रूरता और हिंसा करता है और इसका फोटो और वीडियो सबूत भी उपलब्ध है। वन जीव अधिनियम के तहत जंगली जानवरों को रखना गैर कानूनी है और इसमें शामिल है सर्कस के जानवर। 2013 में हाथियों को भी इस श्रेणी में रखा गया था ताकि उसके बाद कोई भी सर्कस में हाथी शामिल नहीं हो सकता था, लेकिन इसके बाद कई ऑपरेटरों ने अवैध तरीके से हाथियों को सर्कस से खरीदा। समीर खान आलियास जाबू ने उसको मूनलाइट सर्कस से प्रोक्योर किया है एक दार पत्र के आधार पर जो कि वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के अंतर्गत पूरी तरह से गैरकानूनी है। दिल्ली की एक बहुत बड़ी संस्था है जिन्होंने ACMM 18 जयपुर आमेर में एक परिवार दाखिल किया है जिनमें करीब 75 हाथी वालों के खिलाफ परिवार दाखिल किया गया है। माननीय न्यायालय ने परिवार को ध्यान में रखते हुए जो उनमें एविडेंस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं उनके आधार पर SHO आमेर को डायरेक्शन दे दी गई है कि इस मामले की जांच करें और FIR रजिस्टर करके कानूनी कार्रवाई की जाए। क्योंकि वीडियो उभरा है, समीर खान अभी फरार है। उनके करीबी सहयोगियों का कहना है कि खान ने जानवरों को अच्छे तरीके से रखा था, लेकिन कुछ ही दिन पहले एक स्थानीय अदालत ने सभी हाथियों के मालिकों के खिलाफ जांच और कार्रवाई के आदेश दिए हैं और कई हाथी रखने वाले शायद डर रहे हैं कि कानून से वो कब तक भाग निकलेंगे। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।